इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फुलट्रेशन है बांग्लादेश में और इंडिया की वजह से ही वहाँ पे बहुत से तनाज़ात पैदा हुए पिछले अपना जब एक वहाँ पे तसा हुआ और चार पांच लोग डायरेक्ट पुलिस की फायरिंग से मारे गए और फायरिंग करने वाला कुमार नाम भी एक हिंदू पुलिस ऑफिसर था एस था जिसने ऑर्डर दिया कि फायरिंग कर दो जो एक पंडाल में उनके जो बुतों का पंडाल था उसमें कहा किसी ने कोई चीज़ को रख दी उसके बाद उस चीज़ को बाहर उन्होंने किया और इसमें मतलब फसा शुरू हो गया अच्छा ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं और ये एकदम हसीना वाजिद हमला करती हैं वहाँ के जो राइटिस लॉबी उसके ऊपर अब इन्होंने कोई चंद अशरे पहले एक लॉ नाफिस किया लॉ ये बनाया इंडियंस ने बनाया क्योंकि मुक्ति बाइनी के बहुत से लोग जो इंडिया से ट्रेंड होके आए थे वो और उनकी औलादें पहले उन्होंने कहा कि उनको सर्विस के जो एग्ज़ाम्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारे यहाँ या पी एम एस सी एस एस है इसमें क्लियर करने वाला है कि उन्होंने कोटा रखा थर्टी परसेंट उसके बाद विमेन कोटा शेड्यूल कास्ट कोटा पहाड़ियों का कोटा फलाना कोटा ये वो मिला मलू के तो कोटे पे चले गई फिफ्टी फोर परसेंट सीट्स मेरिट पे होती थी फोर्टी फोर परसेंट सीट्स अब आप खुद सोचें कि एक बच्चा मेरिट पे आ गया है और उ, उसके फिफ्टी परसेंट चांस भी नहीं है क्योंकि फिफ्टी से प्लस कोटा तो सीधा के चला गया कोटे में इस वक्त वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो ये थी कि साढ़े तीन करोड़ के करीब पढ़ा लिखा नौजवान अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है अंडर hmm. एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है पढ़ा लिखा ये नहीं कि कि हम तो सुन रहे हैं बहुत तरक्की कर रही है इंडिया की इकॉनमी की तरह है ना कि कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं ना देखिये मुकेश अंबानी और अडानी के पास अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आ गए तो मुल्क तो नजर आया कि तरक्की कर गया उसकी जी डी पी मुल्की बढ़ गई ना ओवरऑल उनका वॉल्यूम बढ़ गया उसके पैसों का पैसों का वॉल्यूम वहां पे भी बढ़ गया बांग्लादेश में लेकिन वहां पे भी कोई टाटा बिरला पैदा हो गया तो जनरली लोग अनएम्प्लॉयड रहे भूखे रहे अच्छा जब भी अपना इस तरह की कोई मूवमेंट चलती वो जैसे पिछले इलेक्शन थे उन्होंने पचपन लाख लोगों पे तो सीधा मुकदमा दायर कर दिया और मजदीद लोगों को लपेटे में ले लिया नामालूम <laughs> जैसे केस दर्ज किया जी ग्यारह आदमियों ने हंगामा किया और उनके साथ पच्चीस नामालूम थे तो पूरा बांग्लादेशी जो है अपोजिशन का वो केसों में चला गया जो खालदा रिया थी उनकी फैमिली ये वो बॉम ब्लास्ट में और पता नहीं क्या क्या बड़ा शोर पड़ा यू एस में और इधर उधर ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की अमेरिकन अम्बेस्टर ने डायरेक्टली उनको कहा कि भाई आप ह्यूमन राइट्स के इतनी ज़्यादा वॉल्यूशन ना करें लेकिन वो मामला नहीं उठ सका उस वक्त और वो सक्सीड कर गए चीज़ों को पे कंट्रोल करने में अब ये हुआ कि ये थी चाइना के दौरे पे जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया उस वक्त हमें नहीं था कि सिचुएशन बांग्लादेश में क्या है ये उसी दिन मतलब बांग्लादेश में अराइ हुई थी जिस दिन हमारा पिछला प्रोग्राम डिस्कस आया हुआ था तो इनको वहां पर बताया गया कि बांग्लादेश में जो वाह यू के जहाँ पे मामला खराब हुआ कि एक आदमी जो है वो पुलिस के सामने यूं खड़ा हो गया उसने कहा मारो गोली उसने मार, उसने मार दी उसकी वीडियो दे उसने मार दी मैंने ही अपलोड की थी सबसे पहले और उस पर मैं एक घंटे के लिए ब्लॉक भी हो गया था उन्होंने कहा तुम रूल को तोड़ रहे हो तो वो उसने मारा गोली खाई उसके बाद वो दूसरी गोली हाँ उसके बाद वो खड़ा हो गया फिर उसको दूसरी गोली लगी और वो मर गया इसके बाद पब्लिक निकली अच्छा ये ऐसा डायरेक्ट अटैक था ना पब्लिक पे तो डायरेक्ट अटैक के बाद पब्लिक भी डायरेक्ट हो गई फिर उसने जहाँ उनकी बख्तरबंद गाड़ी देखी वो भगा दी सारी और पहले ही दिन इंसीडेंट के जिस वक्त हुसैन वादी चाइना से भागी हैं मतलब दौरा शॉट करके गई हैं अपने मुल्क में तो उस वक्त तक वहाँ पर कोई तकरीबन

मेरे जैसा आदमी उठ के कोर्ट में चला गया कोर्ट ने रेस्टोर कर दिया ये बाहर थी जब ये हंगामा रही शुरू हो गई कोर्ट ने जब इसको बहाल के हंगामा आ रही शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो हुकूमत ने कहा अब क्या मसला है आप आराम से घर बैठो तो लोगों ने कहा नहीं आप इसे खत्म हाँ अब जो इतने लोग नहीं इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं आप उनको रास्ता दें अब वो एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो थी उसको एम्प्लॉयमेंट में चेंज करने की एक उसमें मूवमेंट में, में तब्दील होगी अड़तालीस घंटे का उन्होंने उस पर जिसको कहते हैं ना अल्टीमेटम हाँ के हम अड़तालीस घंटे तक जरा शरीफ रहेंगे उसके बाद हम दोबारा करेंगे अभी वो हड़ताल के ढक्कन रख दिया जैसे होता है ना बाद बरादरी में कि हमने रात बहत होगी तो सुबह लड़ेंगे तो भी ढक्कन ढकन बर्तन उल्टा रख देते हैं तो वो बर्तन उल्टा रखा हुआ है वहाँ पे अभी अड़तालीस घंटे के लिए जब पब्लिक देखेंगी तो अड़तालीस घंटे ख़त्म हो जाएंगे अच्छा अब देखना यह है कि अड़तालीस घंटों के, के बाद वहाँ पर सिचुएशन बदलती है कि नहीं